हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपको ये सारी अपनी नेल पेंट्स का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। सो ये सारी तो नेल पेंट्स नहीं है, मेरे पास और भी नेल पेंट्स थी जो मैंने डिस्कार्ड कर दिए है अभी, बट दीज आर द वंस विच आई एम यूजिंग दीज डेज। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू माई नेल पेंट कलेक्शन बिकॉज आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद नेल पेंट्स। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। नेल पेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको हर तरह का कलर मिलने वाला है। सो मैं ज़्यादा न्यूड्स या पिंक्स या रेड्स लगाती हूँ। सो चलिए सबसे पहले हम इस छोटे वाले बॉक्स से स्टार्ट करते हैं। मैं दूसरे वाले को साइड में रख लेती हूँ सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट इट। सो मैं आपको एक एक शेड दिखाने वाली हूँ। सो ये है एक नेल पेंट विच इज़ लाइक थोड़ी सी ग्लिटरी है, शाइनी काइंड ऑफ। तो मुझे इस तरह की नेल पेंट्स भी कभी कभी पसंद आती है अगर मैं लगाना चाहूँ तो। सो दिस इज़ फ्रॉम अ लोकल स्टोर। सो मैंने ये लोकल स्टोर से ली थी और काफ़ी अच्छी नेल पेंट है, बट इस तरह की जो लोकल नेल पेंट्स होती है ज़्यादा टाइम टिकती नहीं है, बट आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ कलर्स एज वेल जो थोड़े से अच्छे लगते हैं, ग्लिटरी टाइप्स। द नेक्स्ट वन इज़ दिस, ये लैक्मे की है आप देख सकते हो, एंड आई डोंट नो द शेड बट दिस इज़ द नंबर 41। सो जो ये कलर है ये न्यूट है। सो मैं इस तरह के न्यूट कलर्स लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो आपको इसमें मेरी मैक्सिमम 350 तक की नेल पेंट्स दिखेगी, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव नेल पेंट्स लगाना पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं दो दिनों बाद चेंज कर देती हूँ कलर्स। सो आई यूज़ टू लाइक बाय उसी के अकॉर्डिंग। सो आप देख सकते हो ये एलिटीन की नेल पेंट है। सो ये एलिटीन की जो नेल पेंट्स है ना, वो मेरे पास बहुत सारी है क्योंकि बहुत अफोर्डेबल है, 50 rupees की आती हैं, बट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो ये एक तरह का पिंकिश कलर है, आई एम इन द शेड 121। सो दिस इज दैट। द नेक्स्ट वन इज दिस लाइक ऑरेंजिश रेड कलर, दिस इज 69 नंबर। सो ये एलिटीन की अगेन नेल पेंट है, क्योंकि एलिटीन की नेल पेंट्स मुझे पसंद भी है और ज़्यादा के साथ ही काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी होती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बाय लोटस इकोस्टे, ये रेड कलर है, एक्चुअली माई सिस्टर गिफ्टेड इट टू मी। सो आप देख सकते हो दिस इज 55 हॉट क्रिम्सन। सो ये भी शेड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लास्ट करती है आपके नेल्स पे, और आई थिंक आई डोंट नो द प्राइस, आई थिंक 200 और 250 के अराउंड होगी। सो ये एक लोकल नेल पेंट है, बट ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। ग्रीन इन कलर है, सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट। मुझे इस तरह के कोकी कलर्स भी पसंद है। ये एक क्लियर नेल पेंट है जिसे मैं यूज़ नहीं करती और मुझे इसे डिस्कार्ड करना है, मैंने आई डोंट नो क्यों रखी है। द नेक्स्ट वन इज़ बाय कलर बार। सो ये कलर बार नेल लिकर की नेल पेंट है, आई डोंट नो द शेड। सो दिस इज बाय, दिस इज 475 रुकर पीच। सो मुझे ये वाली नेल पेंट इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि जो इसकी एक्चुअली आपको इसके 2 से 3 कोट लगाने पड़ते हैं टू गेट अ मैक्सिमम कलर। सो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ मैं इसे भी। सो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा क्लासी है। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो कुछ, तो इस तरह की नेल पेंट्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ अगेन बाय लाइक लोकल ब्रांड, बट रेड कलर की नेल पेंट है। दिस इज़ बाय रैम्बल कॉस्मेटिक्स, आई डोंट नो अबाउट इट, बट ये रैंडमली ले ली थी मैंने, पर अच्छी है। दिस इज़ बाय, नेक्स्ट वन इज जूस लॉन्ग स्टे। इट्स काइंड ऑफ पिंक का ही टोन है, बट इन मोर सॉर्ट ऑफ लाइक व्हाट शुड आई से, मरूनिश टच। या दिस इज 27 शेड, और ये नेल पेंट भी मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि डीप कलर्स आपके हाथों पे काफ़ी अच्छे लगते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बाय नायका, और ये है मेरा 108 नंबर, अगेन पिंक, आई डोंट नो, आई एम ऑब्सेस्ड विद पिंक मे बी। द नेक्स्ट वन इज दिस, जो मैंने अभी आप देख सकते हो वेयर करी है। दिस इज़ बाय विंसा, एंड दिस इज़ द शेड डस्की 9 डस्की। ये कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो नेल्स पे अच्छा लगता है। सो एक बॉक्स मेरा ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हो, ख़त्म इन द सेंस कि हो चुका है पूरा। द नेक्स्ट लॉट इज दिस, यू कैन सी द मेस, राइट। सो जो नेक्स्ट दो नेल पेंट्स है ये लोटस की है दोनों। सो दिस इज लोटस मेकअप कलर ड्यू नेन इलेमल। जो सारी नेल पेंट्स है ये सारी ग्लॉसी फिनिश में, कोई भी मैट नहीं है। मुझे मैट नेल पेंट्स पसंद है, जो थी मैंने डिस्कार्ड कर दी थी क्योंकि वो पुरानी हो चुकी थी। सो दिस इज 943 शेड, एंड दिस इज क्रिम्सन रेड। सो ये रेड कलर है, लाइक ये सेम कलर है दोनों, बस इन दोनों का प्राइस डिफरेंट है, ये थोड़ी बड़ी है छोटी है, और ये मैंने खुद से ली थी, मेरी सिस्टर ने गिफ्ट करी थी, बस इतना फ़र्क है। और जो ये नेल पेंट्स है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये तो न्यूड कलर है, आई रियली लव न्यूड कलर्स।
सो ये लोटस की नेल पेंट्स भी आप ट्राई कर सकते हो, अफोर्डेबल भी है, साथ के साथ अच्छी भी परफॉर्मेंस है इनकी। द नेक्स्ट इज बाय स्विस ब्यूटी, आप देख सकते हो ये क्विक ड्राई मैट में है। सो या दिस वन इज मैट अगेन, एक और शायद मैट थी इसमें से, नहीं और तो नहीं है शायद, मैं देखूंगी नेक्स्ट। ओके दिस स्विस ब्यूटी की है एंड आई मीन द शेड आई डोंट नो, दिस इज द 04 शेड। काफ़ी अच्छी नेल पेंट है, काफ़ी अच्छे से आपके नेल्स पे काफ़ी टाइम तक रहती है। द नेक्स्ट इज बाय लैक्मे, सो लैक्मे की भी नेल पेंट्स मेरे पास काफ़ी सारी हैं। दोनों पिंक का ही शेड आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा हॉट पिंक है एंड दिस इज द कूल टोन, लाइक लाइटर शेड है, डार्कर शेड है नॉट लाइटर। सो ये दोनों शेड्स है, 1:21 एंड 1:22, फोकस 21 एंड 22। सो मुझे इस तरह के शेड्स बहुत पसंद है, पिंक्स रेड्स, सो कभी कभी लगाती हूँ, मैक्सिमम टाइम नहीं तो लाइक न्यूड ही लगाती हूँ। सो दिस इज बाय मिनी सो, सब देख सकते हो, ये भी मेरी सिस्टर ने गिफ्ट करी है और दिस इज ऑल्सो ग्लॉसी फिनिश में है इसकी, बट मिनीसो की नेल पेंट्स भी काफ़ी अफोर्डेबल होती है और बहुत ही ज़्यादा लाइक आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा टाइम तक अच्छे से टिक जाती है नेल्स पे। सो आई मीन द शेड नियॉन रोज 11, सो ये नेल पेंट भी अच्छी है, अभी भी आई एम लेफ्ट विद सो मैनी। सो नेक्स्ट इज बाय नायका अगेन, नायका की नेल पेंट्स मेरे पास बहुत सारी थी बट जो पुरानी हो चुकी थी मैंने उन्हें डिस्कार्ड कर दिया है। द नेक्स्ट इज रीगल, आई डोंट नो अदर नाम इसमें है नहीं, दिस इज 106, ये भी काफ़ी अच्छा शेड है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ फूशिया पिंक राइट। सो नेक्स्ट इज बाय एलेटीन, दिस इज द शेड 26, पीच कलर है और काफ़ी अच्छा लगता है नेल्स पे। द नेक्स्ट इज ऑल्सो बाय एलेटीन, एलेटीन की बहुत सारी नेल पेंट्स है, 50 से 60 रुपीज़ के बीच में आ जाती है सारी और बहुत अच्छी भी लगती हैं। दिस इज द शेड 05, इस तरह की ग्लिटरी नेल पेंट्स भी आपकी कभी कभी अच्छी लगती है नेल्स पे, काफ़ी लाइट सा लुक देती है। द नेक्स्ट इज बाय लैक्मे 9-5, सो आई रियली, अगर आप कोई नेल पेंट लेने का सोच रहे हो ना, सबसे ज़्यादा जो मैं रिकमेंड करूँगी ये वाली नेल पेंट है और स्पेसिफिकली ये वाला शेड, ये वजूनिश काइंड ऑफ अ शेड है इसका। अब इसमें शेड नेम तो मिट चुका है गैस मुझसे, बट ये मजूनिश सा शेड है, ये नेल पेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत टाइम तक आपके नेल्स पे रहने वाली है और बहुत ही अच्छा शेड है। द नेक्स्ट इज बाय टीन्स और ये मेकओवर की तरफ से है, दिस इज द शेड 33, अगेन अ पीच कलर। द नेक्स्ट इज एलेटीन की, अगेन अ पीच कलर, आई मीन द शेड 70, नंबर शेप 70। सो ये मेरे पास दो और एलेटीन की है, सो ये है एक रेड कलर, दिस इज द 69 आई थिंक, इस तरह का 69 शेड और था मेरे पास, हाँ इसकी दो आई डोंट नो, मैंने गलती से दो ले ली थी। द नेक्स्ट इज ग्रीन, ये वाली जो ग्रीन है ना एलेटीन की 131 नंबर, ये बिल्कुल नहीं लगती है, बहुत बेकार सी है ये, बस मैंने ले ली थी, ये वाला कलर मुझे इतना पसंद नहीं आया, 3-4 बार लगाना पड़ता है और नेल्स बहुत ज़्यादा फिर हैवी दिखते हैं। द नेक्स्ट इज बाय नायका अगेन इन द शेड 02, दिस इज ऑल्सो अ पिंक एंड दिस इज अ वाटरमेलन सॉर्बेट, सो काफ़ी अच्छा कलर है ये भी, पिंक यू कैन सी। द नेक्स्ट इज बाय शुगर, सो शुगर की नेल पेंट्स की मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है, शुगर की नेल पेंट्स काफ़ी अच्छी होती है, ये ग्लॉसी फिनिश में, इसमें मैट फिनिश की भी आती हैं और आई मीन द शेड 10, दिस इज ग्रेज ऑफ गॉड, सो ये ग्रे कलर की नेल पेंट है, ये भी मैं काफ़ी लगाती हूँ। द लास्ट वन इज लाइक 2-3 और है ग्लिटर वाली, मैं इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि मैं उन्हें यूज़ ही नहीं करती हूँ। सो ये है मेबलिन कलर शो की, जो मुझे इतनी काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि ग्लिटर नेल पेंट्स ये ऐसे वाली ग्लिटर्स होते हैं जो आप लगा तो लेते हो बट इन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो या दिस इज द शेड फायरवर्क्स, सो ये मैंने ऑफ में ली थी तभी ले ली थी। सो आप देख सकते हो ये है मेरा पूरा कलेक्शन ऑफ नेल पेंट्स, सो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा कलेक्शन पसंद आया होगा। सो मुझे ज़्यादा आप देख सकते हो पिंक्स और रेड्स और इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक मिक्स ऑफ कलर्स है, सो मुझे इस तरह के कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो बाय, सी नेक्स्ट टाइम।